येलो डोसा। मालवनी का हाल है हमारा ये। थोड़ी इंक्वायरी करते करते जाते अल्लामा। हाँ रेंदर चाबी तो कैसा था? तो गाइस आज तो है नजरे बट मेरे को बुखार आई है और दवा खाना भी जाने गए तो मैं आज खाऊंगी मसाला डोसा। तो ये अंकल मुझे है तो मैं आपको बताती हूँ। देखो गाइस ये डोसा देखो नमक येलो डोसा। हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चले व्लॉग शुरू करते हैं आज का। और जा रही हूँ, सुबह के कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ दवा लाने के लिए, फिर से डॉक्टर चेंज, थर्ड डॉक्टर अभी। मलाड स्टेशन पर जा रही हूँ मैं, यहाँ पर नहीं, मलाड स्टेशन पर। तो बस देखेंगे अभी वहाँ पर कुछ दवे का, उधर का ट्रीटमेंट करके देखती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ना रूट कैनल करवाना है तो दर्द तो जाना पड़ेगा, दर्द में रूट कैनल नहीं हो सकता। तो मुझे दर्द है, मैंने आप लोगों को बोला ना, मुझे ज़्यादा आराम नहीं हुआ, सिर्फ 50% आराम हुआ है और बाकी तो है मेरा दर्द बहुत। तो आज स्टेशन पे जाके दवा लेकर आती हूँ, वहाँ जाके देखती हूँ। अच्छा डॉक्टर का नाम सुनी हुई, अच्छा डॉक्टर है, दवा भी अच्छी लगती है, मतलब आराम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो माई को लेके जाना पड़ रहा है, नुमेर को लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि कार पार्किंग, सॉरी कार नहीं है हम लोग के पास, रिक्शा पार्किंग नहीं है। गाइस मैंने ट्यूशन छुट्टी कर दी। माई को भी बुखार चढ़ी है, माई का भी वहाँ पे डॉक्टर के वहाँ पे नाम लिखाएंगे रास्ते में, टोकन लेके माई के लिए। हाँ। फिर हम लोग जाएंगे, है ना? फिर आने का टाइम टोकन ले लेंगे, नंबर ले लेंगे, उसके बाद आने के टाइम माई की दवा लेके आ जाएंगे, है ना? चलो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? नुमेर को भी लेके जा रही हूँ, ट्यूशन जाके आ गया नुमेर को भी लेके जा रही हूँ। जबरदस्ती गाइस, क्या करूँगी अभी, माई को लेके जा रही, तो उसको भी, क्योंकि बाहर रिक्शे में ये लोग बैठेंगे ना, नहीं तो फिर रिक्शा वो टोका क्या बोलते हैं उसको, टोचन वाला उठा के लेके जाता है। तो चले फिर निकलते हैं। निकले हुए पापा का तेरा, क्या कर रहे तेरे पापा, चाय पी रहे? अरे अल्लाह, ये एलोवेरा यहाँ से ना लंबा हो रहा है ना, तो गिर रहा है, देखें उसको अभी ना, यहाँ ऐसा ना नुमे, इसको टेका दे के रख, सुना क्या? हाँ सर, टिका के, अब वो बड़े होते रहेंगे ना, क्या पता नहीं बिल्ली से लगा क्या, बिल्ली ने हाथ, बिल्ली भी यहाँ पे घुसती रहती है ना झाड़ के पास। ये देखो मेरे को भी चाय ला के दी, मेरे दांत में दर्द है, तुमने चाय पिला के ना फज्जू मेरा और हालत बुरी करे। हाँ ये देखो आ गई, आवाज़ दी मैंने उसकी, आवाज़ ले, नाम लेने की देरी, बस आ जाएगी, है ना? चप्पल पहनो, चलो रेडी करो। हाँ खा ले, झींगा खा रही है मैडम, सूखा झींगा बड़े शौक से खाती हैं, देखे। चलो अभी इसको यहीं पे छोड़ेंगे हम लोग, अभी जाके आ जाएंगे। मास्क ले रही? हाँ मास्क नहीं ले रहे तुम लोग आजकल, क्यों? मास्क वापस चालू हुआ है ना? मेरे हस्बैंड का पूछना चालू, हालांकि बारिश अभी नहीं है, मौसम अच्छा खुला हुआ है। सीढ़ी पहुँच रहे, रिक्शे में जाएंगे हम लोग। ये लाइन में मैं पहले रहती थी, ऐसी पानी भरा हुआ रहता था हमेशा। चलो निकले, क्या मैं आता हूँ, बच्चे लोगों को लेके जाना पड़ रहा है। अरे माई के लिए वो भैया तो टोकन ले ना संगीता के वहाँ से। हाँ ये देखो ट्रैफिक, अभी कहाँ से निकलेंगे हम लोग बाहर, मलाड जाने का, यही तो भारी पड़ता है यहाँ पे ना मालवनी में, सबसे भारी यही है क्या, मलाड स्टेशन पहुँचना, क्योंकि ट्रैफिक से बच नहीं सकते 10 बजे 11 बजे के बाद में। ये देखिए पूरा हो रहा है जमजम होटल। हाँ कहाँ है पुलिस वाला, दिख रहा तो है ही नहीं, कुछ काम के नहीं है ये हमारे मालवनी का हाल है हमारा ये। अंदर आओ तो ये फंसते ट्रैफिक में, सबसे भारी यही पड़ता है।
चलो निकल, हो गया क्लियर। 10 मिनट रुकना पड़ा, हालांकि पुलिस गाड़ी तो खड़ी है, पुलिस की गाड़ी। हाँ अभी अपनी गाड़ी रहेगी तो लोग बराबर करेंगे, पुलिस की गाड़ी ऐसा बीच बीच में खड़ा करते जब भी कुछ नहीं होता लोगों। सही बात है ना, सबके लिए रूल्स अलग है, जाहिर सी बात है। ये देखिए हमारे तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, हमारी मस्जिद। और ये देखिए तिरंगा, हर एक दरवाजे पे तिरंगा मिलेगा, हर एक दरवाजे पे। जाओ देखो, नंबर नहीं है तो आई के डॉक्टर तो नहीं आई लगता, नंबर ले लो, माई का नंबर ले लेते ना डॉक्टर से, माई को भी बुखार है। ये मिला नंबर 17 नंबर मिला माई के, हर बार की तरह। ओ अम्मा क्या नाम है अम्मा? एपिडेंट नहीं, तो पहले कुछ बोले दे, माउथ फ्रेशनर वो नहीं नया निकाले पता नहीं मुझे। हाँ ले लो विक्स, विक्स सेक्शन 500। माई को नहीं चाहिए तो माई गई वहाँ पे एविडेंट लाने के लिए, माशा ने यहाँ कबूतर देखे। ओहो माशा अल्लाह, देखे चल एविडेंट चाहिए, विक्स नहीं जाएगा इन लोग को। चल बारिश पहुँचे नहीं हम लोग, बारिश आ गई। हाजी ने डॉक्टर के पास जाके फॉर्म लेकर आया है मेरा, और ये है वो हॉस्पिटल जहाँ पे हम लोग आए हैं अभी। मेरी जो पप्पू है ना, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे से ना 2 दांत निकाल कर आया, और वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। माई को देखे अच्छा यहाँ पे जो है ना, फिर मेरा नंबर आ गया था और मैं अंदर चली गई थी, और माई देखे माई ने शूट ली, और माई बता रही आप लोगों के मम्मी यहाँ पर गई है अंदर कैबिन के अंदर, और माही को डर लग रहा था, मुझे बोली थी मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा था यार अंदर चले गए आपके साथ क्या करने वाले, तो उसको तो डर लग रहा था। तो देखिए मुंह देखे कैसे बनाती है, एक्सप्रेशन देखे उसका मैंने बाद में देखे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ये वीडियो के, मैं बोली तूने शूट किया? तो बोले हाँ मैंने शूट किया। तो माही भी ज़बरदस्त थे, एकदम ज़बरदस्त। तो निकले हम लोग वहाँ से, दवा ले लो यहाँ से ले लो, कौन सा ये मेडिकल स्टोर है बाबा। दवा आ गई मेरी, 2 टैबलेट आई है। कितने दिन बोले उन्होंने? 3 दिन खाना है, 3 टैब। 1, 2, 3 तीन टैब ना, दिन में 3 टैब 3 दिन। चलो नंबर बैग में रख ले, चलो निकले हो गया, दवा ले ली, अभी जा रही हूँ घर पे, घर पे बताती हूँ क्या है। चलो नाश्ता लेने निकले हैं, नाश्ता लेने निकले, नाश्ता लेने के लिए रुके। हाँ भजिया पाव, पाव नहीं खाती मैं। हाँ माई को वड़ा पाव, चटनी मत डालो उसको, नहीं तो फिर खाएगी वो। नाश्ता करके जाएंगे, भूख लग रही है, गरम है। भूख लग रही थी, नाश्ता कब करी थी सुबह में, अभी कितने बज रहे हैं? अब बाहर आए तो कुछ खाते ही जाएंगे। कांदे का भजिया ली हूँ, सुबह मसाला डोसा लिए थे हम लोग ने, उतना वो उतना सा मसाला डोसा 30 रुपए का है। गाइस एक नंबर यार, गाइस भी नहीं भरा, इसी खुशी में एक ले ले रहा हूँ मैं गाइस। अरे गाइस इतना गरम गरम, हाँ गरम गरम है ना, नाश्ता करके घर पे मिले। माई ने वड़ा पाव मंगाई ना, गरम गरम हो, गरम मेरे भजिया खा रहा है, मेरे भजिया
आपके भाईजन भी भजिया माई का वड़ा पाव ले माई खराब घर में फुटके खाना पापा से झोल की जलेबी मम्मा जलेबी खा ले पापा के पास में फरमाइश करेंगे तो पापा तो पीछे नहीं हटते ना पापा को बोलती अब लाए हो तो जलेबी भी तो खिला ही दो ना बोले है ना अब लाए हो तो थोड़ी जलेबी भी खिला दो हमारी माही को है ना कैसा बैठी है देखो जरा अम्मा टल लो जलेबी खाएगी बारी चारी अच्छा हम लोग जो है ना अभी निकलते निकलते मैंने बोला कि चलो कॉलेज में भी थोड़ी इंक्वायरी करते करते जाते अम्मा हाँ रेंदर भाई मत बंद कर भाई बंद कर बारिश हो रही है और आपके भाईजान और नुमैर जो गए थे ना रास्ते में कॉलेज पढ़ रहा है तो मैंने बोली जरा यहाँ पूछ कराओ कि ऑफलाइन ले रहे क्या कि अभी ऑनलाइन में नाम नहीं आया नुमैर एक में आया था तो हम लोग ने कैंसिल करवाया कैंसिल हो गया मतलब हम लोग ने नहीं किए तो सेकंड लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया बहुत से बच्चों का नाम नहीं आया आपके भाई भी फॉर्म दे के कैसा लेके आता है एक बाप अपने बच्चे का ऐसे मेरे अब्बा भी लेकर आते थे विद्या विकास है माही की दवा लेने के लिए माही मेरे को हाई कर रही है माही को दिखाती हूँ ये देखिए माही बैठी है हाय कर रही है माही हाय कर रही है ये देखिए माही और उसके पापा तो बस नंबर लेके गए थे ना हम लोग 17 नंबर और उसकी दवा भी लेके आ जाएंगे उसके पापा लेके आएंगे उसकी दवा बारिश आ रही है माही की दवा लेके आएंगे उसके पापा फिर हम लोग घर पे जाएंगे दोपहर हो गई आज दोपहर हो गई यही चक्कर में ऐसे ही होता है कोई दवा वाला आना जाना होता है ना फिर आपके भाईजान की अच्छी खासी छुट्टी हो जाती है बारिश भी हो रही है हम आई की दवा लेके सीधे घर पे जाएंगे चलो क्या हुआ 450 की दवा ही अरे वाह पापा के भी चले दवा भी ले लो ने आपके भाईजान ने भी ले लिया उनको भी सर्दी हो गई है उन्होंने दवा ले ली है माई ने भी दवा ले ली है ना माई उतरो ये निकाल दो बच्चों ऊपर डाल दो बारिश की वजह से निकालना पड़ता है फिर डालना पड़ता है चाबी है